गरीब अंग्रेजन बहू का जादुई फ्रिज। रेहान एक अंग्रेजन लड़की से बहुत प्यार करता था जिसका नाम अलीना था। अलीना बहुत खूबसूरत थी जिसकी वजह से रेहान उसे बहुत पसंद करता था। रेहान ने उसे अपनी मातृभाषा हिंदी भी बहुत अच्छे से सिखा दी थी, लेकिन रेहान का रंग सांवला था जिससे अलीना को जरा भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो बहुत गरीब थी। एक दिन रेहान अलीना से कहता है, अलीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम कितने अमीर हो और मैं कितनी गरीब हूँ। पता नहीं तुम्हारा परिवार मुझे स्वीकारेगा भी या नहीं। अरे तुम इतनी खूबसूरत हो कि सब तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बस एक बार तुम शादी के लिए हाँ कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलीना रेहान की बात मान लेती है, जिसके बाद रेहान अलीना से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। ये सब देख उसकी माँ कहती है, अरे बेटा तू इस विलायती को यहाँ कहाँ ले आया? कौन है ये लड़की? माँ ये लड़की मेरी पत्नी है, इसका नाम अलीना है। विदेश से ये आई थी इंडिया में कमाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। ये बहुत गरीब है। माँ मैं अलीना से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने अलीना से शादी भी की है। अब ये आपकी बहू है। एक अंग्रेजन को तू मेरी बहू बना कर लेकर आया है? क्या यही मैंने तुझे संस्कार दिए थे? जा ले जा इस लड़की को यहाँ से। ये अंग्रेजन इस घर की बहू नहीं बन सकती। इसकी गोरी चमड़ी और हमारी काली चमड़ी में बहुत फर्क है। कावेरी को अलीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि रेहान का पूरा परिवार रंग से काला था और इसी के चलते कावेरी अपने घर में अपने से चार गुना ज्यादा सुंदर गोरी बहू देखकर हैरान रह जाती है, जिसकी वजह से वो उसे निकालने के लिए कह देती है। देखिए माँ, मैं जानता हूँ मैंने अपनी मर्जी से अपनी शादी कर ली, इसका आपको दुख भी बहुत है, लेकिन अलीना मेरी जिंदगी है और वो भी इसी घर में रहेगी। रेहान अलीना का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है। ये देख कावेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने दांत मिसमिसाने लगती है। अरे माँ आप परेशान क्यों होती हो? हमारे रहते हुए इस घर में इस विलायती की जिंदगी नरक ना हो गई ना, तो मेरा नाम बदल देना। अलीना उस घर में रहती तो सही, लेकिन उसकी सास और ननद उसके ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार करती। जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है वैसे ही कावेरी अपने बेटे से कहती है, देख बेटा गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे घर का फ्रिज खराब हो गया है। खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू एक फ्रिज खरीद ले। चिंता मत कीजिए माँ, मैं जल्दी ही फ्रिज खरीद लूंगा। कुछ ही दिनों में रेहान घर के अंदर एक नया फ्रिज ले आता है, जिसे देखकर अलीना बहुत खुश होती है। लेकिन कावेरी बहुत ज्यादा चालाक होती है, वो फ्रिज में ताला लगा कर रखती है, जिसकी वजह से बेचारी अलीना फ्रिज का ठंडा पानी भी नहीं पी पाती। एक दिन बेचारी अलीना घर के सभी सदस्यों के कपड़े आंगन में बैठकर धो रही होती है। कड़ी धूप के कारण उसे बहुत तेज गर्मी लगती है और वो घर के अंदर आती है। बहुत तेज गर्मी लग रही है, लगता है फ्रिज खुला हुआ है। माँ जी तो अपने कामों में व्यस्त होंगी, एक काम करती हूँ मैं फ्रिज के अंदर से पानी लेकर पी लेती हूँ, कम से कम थोड़ा गला तो ठंडा होगा। अंग्रेजन बहू फ्रिज को खोलती है और उसके अंदर से पानी निकाल कर पीने लगती है। तभी पीछे से कावेरी आ जाती है और हाथ मार कर उसका सारा पानी नीचे गिरा देती है। कलमू ही करम जली नास पीटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बिना पूछे ही फ्रिज को हाथ लगाएगी? अरे तू समझती क्या है अपने आप को? लगता है मेरे बेटे रेहान ने तुझे ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, मुझे ही तेरा इलाज करना होगा। कावेरी ऐसा सोचकर अपनी अंग्रेजन बहू को मारना पीटना शुरू कर देती है। तुम्हारा मुझे इस घर के अंदर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ही अपने खूबसूरती के चलते घर के सभी सदस्यों को अपनी तरफ खींचती जा रही हो। ऐसा मेरे होते हुए नहीं रह सकता, मैं तुम्हें इस घर में एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। कावेरी अपनी अंग्रेजन बहू को घर से भगा देती है। बेचारी अलीना रोते हुए अपने घर से जाने लगती है। रोते रोते वो एक जंगल में पेड़ के पास पहुंच जाती है, जिसकी छांव में बैठकर वो अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। कितनी खराब किस्मत है मेरी, पहले मैं विदेश छोड़कर यहाँ आई कुछ बनने के लिए, लेकिन कुछ ना बन सकी, और अब जब मैंने शादी की तो मेरी सास ने मुझे घर से ही निकाल दिया। क्या फ्रिज के पानी पीने से मेरा इतना गुनाह हो गया कि मुझे मेरी सास ने घर से ही निकाल दिया? अलीना ऐसा कहते हुए रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है, रोने की जरूरत नहीं है, रोने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अलीना आवाज के सुनते ही यहाँ से वहाँ देखने लगती है। कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ, कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे सामने आओ। अलीना के कहते ही जादुई पेड़ के मुंह आंख नाक बन जाते हैं।
अरे तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक जादुई पेड़ हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। तुम्हें परेशान देख मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे और मेरी मदद करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये मुझे वरदान मिला है कि मैं परेशानी में पड़े लोगों की मदद करके उन्हें बाहर निकालूं, ताकि वो अपनी जिंदगी में खुशी से जी सके। और मुझे तुम्हारी सारी परेशानी पता चल गई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ के इतना कहते ही जादुई पेड़ झूमने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत प्यारा सुंदर फ्रिज प्रकट होता है, जिसे देखते ही अलीना हैरान रह जाती है। ये कोई मामूली फ्रिज नहीं बल्कि जादुई फ्रिज है, इसे अपने घर ले जाओ। जब भी कोई इस फ्रिज का ठंडा पानी पिएगा तो वो अपनी वाणी से सुंदर और प्यारे शब्द ही निकालेगा। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान इस जादुई फ्रिज का पानी पीकर कड़वा नहीं बोलेगा। पेड़ के कहने पर अंग्रेजन बहू फ्रिज को अपने कंधों पर लाद कर अपने घर पर ले आती है, जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, मेरी वजह से इस घर का फ्रिज खराब हो गया था माँ जी, देखिए मैं फ्रिज लेकर आई हूँ, लो आप भी इसका ठंडा ठंडा पानी पियो। अलीना फ्रिज का ठंडा पानी निकालकर अपनी सास को दे देती है। पानी पीते ही अलीना की सास का व्यवहार बदल जाता है और वो खुशी से अपनी बहू अलीना से कहती है, अरे वाह देखो तो सही, कितना स्वादिष्ट और ठंडा पानी है, आज तो मेरी जान में जान आ गई। अरे अलीना बहू वहाँ दूर क्यों खड़ी है, आओ मेरे पास बैठो, तुम्हारे जितनी सुंदर चांद के टुकड़े जैसी बहू मैंने आज तक नहीं देखी, तुम तो साक्षात देवी के रूप में आई हो इस घर में। सॉरी सासू माँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये देवी क्या होती है। अरे देवी वो होती है जिसकी हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो हमें सब कुछ देती है, उसी ने तुम्हें हमसे मिलाया है। चलो अब अपने दोनों हाथ जोड़कर देवी माँ का शुक्रिया अदा करो। अलीना अपने दोनों हाथों को जोड़कर कावेरी के साथ देवी माँ का शुक्रिया अदा करती है। देवी माँ के साथ जादुई पेड़ का भी शुक्रिया जिसने मेरी मदद की और सब कुछ ठीक किया। ऐसा कहने के बाद अलीना वो पानी अपनी ननद को भी पिलाती है, जिसके चलते उसकी ननद और सास उसके साथ अच्छे से रहने लगती हैं। प्यारी भाभी, ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी जादुई फ्रिज का पानी पिलाया है, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है, आपका बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद जितनी भी परेशानियां थी अलीना के जीवन में, वो सब कुछ ठीक हो जाती हैं और वो अपने ससुराल में जादुई फ्रिज की मदद से खुशी खुशी रहने लगती है। सुहासिनी और निरंजन शुरू से गरीब थे, तीन बेटों को भी बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। तीनों बेटे मामूली सी नौकरी करने लगते हैं, जिसके कुछ समय बाद सुहासिनी और निरंजन अपने तीनों बेटों की शादी एक मंडप में रेशमा सवी कनिष्का से कर देते हैं। तीनों बहुत जल्द ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय, और बाऊ जी ये आपकी बिना चीनी वाली चाय। अरे बहू तू आज मुझे अपनी सास वाली मीठी चाय दे दे, मुझे ये नहीं पीना। बिल्कुल नहीं दीदी, बाऊ जी को मीठी चाय मत देना आप, इन्हें डायबिटीज जो है। अच्छा कुछ नहीं तो पकौड़े ही खिला दो। नहीं बाऊ जी आपको वो भी मना है ऑयली की वजह से, आप ये शुगर फ्री बिस्किट खाइए। अरे सुहासिनी कुछ तो अपनी तीनों बहुओं को समझाओ, इतना भी क्या ख्याल रखना कि मैं ठीक से कुछ खा पी भी ना पाऊँ। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी तीनों बहुएं, जब से मेरे घर में आई हैं लक्ष्मी सरस्वती काली की तरह मेरे घर को संभाल लिया है। देखा बाबूजी माँ जी हमारे साथ हैं। ये बोलकर तीनों बहुएं अपनी सास सुहासिनी के गले लग जाती हैं। वक्त बीतता है, समय के साथ तीनों बहुएं एक साथ 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वहीं गर्मी भी बढ़ने लगती है। तभी खाना खाते खाते छोटी बहू कनिष्का कहती है, बस माँ जी मुझसे और दाल रोटी नहीं खाई जा रही, बहुत गर्मी लग रही है, ये खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा भी माँ जी ये खाने का मन नहीं है, कुछ अच्छा सा खाना है। हाँ माँ जी मैं भी दोनों दीदी की तरह जबरदस्ती खाना खा रही थी, अब गर्मी में रहा नहीं जाता, बहुत परेशानी होती है, कभी भी घबराहट सी होने लगती है। अरे वो तो तुम तीनों गर्भवती हो इसीलिए ऐसा लग रहा होगा, और गर्मी का मौसम भी है। खैर तुम तीनों के लिए मटके का पानी नींबू पानी बना देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुनिए माँ जी आप शाम को कच्ची कैरी भी मंगवा देंगी, हम तीनों को बहुत खाने का मन है। हाँ माँ जी प्लीज। ठीक है शाम को मैं तुम्हारे बाबूजी से मंगवा लूंगी। ये बोलकर सुहासिनी अपनी तीनों गर्भवती बहुओं के लिए नींबू पानी बनाकर लाती है, जिसे पीकर तीनों को बहुत अच्छा लगता है। शाम को निरंजन अपनी बहुओं के लिए कच्ची कैरी ले आता है, जिसे देखकर रेशमा कहती है, अरे वाह शुक्रिया बाबूजी, आप हमारे लिए कच्ची कैरी ले आए, हमारा बहुत खाने का मन था। अरे कैसे नहीं लाता, एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से तुम तीनों गर्भवती हो,
ऐसे में ये खाना तो बहुत जरूरी है। अभी तीनों एक एक कैरी खा लो, बाकी कल खा लेना। जी माँ जी। दीदी मेरे मुंह में तो अभी से बहुत पानी आ रहा है। हाँ चलो खाते हैं। ये बोलते ही तीनों बहू कच्ची आमी का मजा लेती हैं और बाकी कच्ची आमी रसोई में रख देती हैं। अगले दिन जब तीनों बहू खाना खाने बैठती हैं, अरे रुकिए रुकिए, खाने के साथ आमी हो जाए। माँ जी ने आमी मंगवाई थी, आज खाने के साथ मसाला लगा कर खाते हैं। हाँ देवरानी जी जल्दी से ले आओ, अच्छा है तुमने याद दिला दी। जैसे ही कनिष्का बहू आमी लेकर आती है तो वो आमी उसे पकी हुई मिलती है, जिसे देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और वो अपनी सास और दोनों जिठानियों को दिखाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, कल तक तो ये कच्ची आमी थी, आज आम कैसे बन गई। गर्मी में हमारा इतना बुरा हाल हो रहा है, वो तो फिर भी आम है, अगर हमारे घर में फ्रिज होता तो ये इतनी जल्दी नहीं पकती, लेकिन बिना फ्रिज के गर्मी से ये पक गई, ये हमारे खाने लायक बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, मेरी बहुएं अब क्या खाएंगी। कोई बात नहीं बहुओं, मैं इसका जूस बनाकर तुम्हें दे दूंगी। तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया, ऊपर से रात को सोई भी नहीं और पंखे कितने मरे मरे चलते हैं, गर्मी भी बढ़ी हुई है, ऊपर से मटके के पानी से भी प्यास नहीं बुझती। माँ जी अब बिल्कुल सही बोला कनिष्का, एक मिनट में साहिल जी को फोन करती हूँ। हेलो साहिल जी, हमें बहुत गर्मी लग रही है, जिठानी जी और मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, जरा शाम को लेते हुए आना। ठीक है मैं ले आऊंगा, अब रखता हूँ, काम कर रहा हूँ। तभी शाम हो जाती है, तीनों बहू आइसक्रीम के इंतजार में थी, तभी साहिल आकर उन्हें सॉफ्टी पकड़ाता है। ये लीजिए, आप सब आइसक्रीम का मजा लीजिए। अरे देवर जी, आइसक्रीम तो सारी पिघल गई। अरे साहिल जी, आप आइसक्रीम देखकर नहीं लाए थे क्या, अभी तो धूप भी नहीं हो रही है तो पिघली कैसे। अरे नहीं भाभी, मैं तो आइसक्रीम चेक करके लाया हूँ, गर्मी इतनी बढ़ रही है कि घर लाते लाते ये पिघल गई, फ्रिज हमारे घर पर भी नहीं है, वरना आइसक्रीम सेट हो जाती जब तक। माँ जी आप देख रही है ना, मनीष बहुत गर्मी हो रही है, मैं सोच रही हूँ माँ जी हम सबको किश्त पर फ्रिज और एसी ले लेना चाहिए, क्योंकि हम तीनों को सोने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ माँ जी, रेशमा बिल्कुल ठीक कह रही है, आज सुबह कल रात की सब्जी खाने का मन था, लेकिन वो फ्रिज ना होने के कारण से खराब हो गई, बर्फ भी हमें दूसरों से मांगनी पड़ती है, आप फ्रिज ले आइए, नीरज मिलकर खरीद लेते हैं ना सामान, गर्भवती के समय बहुत परेशानी हो रही है। क्या करूं बाबू जी। अरे मुझसे क्या पूछ रही है, तीनों बहू परेशान हो रही है, हमें किश्तों पर एक फ्रिज और एसी ले लेना चाहिए, इससे ठीक रहेगा, तुम तीनों मिलकर तो ये कर सकते हो ना। पर बाबू जी, इन तीनों बहू के लिए तीन एसी लेनी होंगी क्या, ऐसे तो बहुत कर्जा हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है, हम एसी को हॉल में लगाएंगे, अधिकतर बहू हॉल में मेरे साथ रहती हैं। तीनों बहू बेटे हम सब रात को एसी में एक साथ सो जाएंगे, बाद में अपने अपने कमरे में चले जाएंगे और फ्रिज का लाभ तो हो ही जाएगा। मैं माँ जी की बात से सहमत हूँ। ठीक है, मैं और साहिल भैया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर चले जाते हैं। जाओ बहू अब आराम करो। सुहासिनी की बात सुन उसकी बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं और दोनों भाई मिलकर एसी और फ्रिज घर ले आते हैं, जहां सब फ्रिज के ठंडे ठंडे पानी को पीकर मजा लेते हैं, फिर शाम को सब हॉल में इकट्ठा होकर बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह, एसी में बैठकर इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ बाबूजी, अब पसीने में तर होकर खाना नहीं खाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत कश्मीर जैसा लग रहा है यहाँ पर। अब तो फायदा हो गया, घर में ही आइसक्रीम बनाकर खा लिया करेंगे, मैं कल खीर बनाऊंगी, सब ठंडी ठंडी खाएंगे। अब तो तुम खुश हो ना, फ्रिज और एसी जो आ गया घर में। हाँ माँ जी हम खुश हैं, और हमारे बच्चे भी, टीवी देखते हैं सब थोड़ी देर फिर सो जाएंगे। हाँ दीदी, एसी का टेम्परेचर कम लग रहा है, जरा थोड़ा बढ़ा दीजिए। भाभी थोड़ा बढ़ाना, ज्यादा नहीं ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, मैं कंबल निकाल कर रख दिए हैं, वो ओढ़ लेना। ये बोलने के बाद सब एसी में जमीन पर बिस्तर बिछाकर लेट जाते हैं और टीवी देखते हैं। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन बारी बारी से तीनों बहुएं फ्रिज खोलकर ठंडी हवा लेती हैं। अरे दीदी आगे क्या कर रही हो। अरे कुछ नहीं, बस बर्फ लेने आई थी तो फ्रिज की ठंडी हवा खाने लग गई, यकीन नहीं हो रहा अब हमारे घर में फ्रिज भी है और एसी भी। हाँ दीदी मुझे भी, जरा बर्फ निकालिए, बर्फ जमाने में बहुत मजा आता है। ये तो है। ये बोलकर तीनों बहू बर्फ के टुकड़े चबा चबा कर खाने लगती हैं, जिससे उन्हें बहुत मजा आता है। इस तरह तीनों गर्भवती बहुएं आराम से एसी और फ्रिज के मजे लेती हैं। 3 महीने बाद तीनों बहुओं के नॉर्मल डिलीवरी से जिठानियों को 2 बेटे और देवरानियों को बेटी होती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।